नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और सीधे जुड़ लेते हैं भाव तोरसेकर जी से और उसके बाद फिर कई मुद्दों पर उनसे बातचीत करते हैं। भाव, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक हुई कल और उसमें ये कहा गया कि किसानों से गांव-गांव जाकर के अपील की जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएं। नाराजगी ये शो की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा खिलाफी कर दी। और ये वादा खिलाफी क्या है? जो 3 कृषि कानून ये वापस लेने की बात कर रहे थे वो तो वापस ले ली। इसके अलावा इनका कहना था कि जो हम पर आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए हैं उन मुकदमों को भी वापस लीजिए। इसके अलावा ये कह रहे थे कि MSP को निर्धारित करने के लिए एक कमेटी का गठन करिए जिसकी सिफारिशों पर फिर उसको कानूनी अमलीजामा पहनाया जा सके। इनकी मांग थी कि अजय मिश्रा टैनी को केंद्र में जो मंत्री हैं उनको हटाया जाए लखीमपुर कांड के आलोक में। क्या ये एक बहाना तलाश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फिर से मोर्चा खोलने का? क्योंकि आज मैं पार्लियामेंट में सुन रहा था कृषि मंत्री को, उन्होंने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, चल रही है, अब चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जाए, चुनाव समाप्त हो जाए, उसके बाद कमेटी गठित कर दी जाएगी MSP पर और जो बाकी की चीजें हैं उनको टेकअप कर लिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो गांव-गांव जाकर के उसे सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो इन्हीं के संगी साथी 22 संगठन पंजाब में ताल ठोक रहे हैं और गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी अब उनके साथ मिल गया है, उसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कर रहे हैं ये लोग। ये क्या पूरी तरीके से राजनीति पर ही उतारू हैं भाव? नहीं, ये मेरा ख्याल है कि जो एंटी मोदी मोदी मीडिया है उसकी जरूरतें है वो पूरी कर रहे, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। क्योंकि इनको भी मालूम है ये गांव-गांव जाकर वादा खिलाफी वगैरह वगैरह भाषा करेंगे, वो भाषा में अभी कोई दम नहीं रहा। तो लेकिन मीडिया में बढ़ चढ़ कर बातें करेंगे, इससे आगे इनका कुछ होने वाला है नहीं। इनको भी मालूम है चुनाव आने तक क्या हुआ क्या नहीं हम देख रहे, और इनका प्रभाव कहीं चुनाव में दिखाई नहीं रहा। ये उठकर, आपको याद होगा कि राकेश टिक्कत उठकर बंगाल गए थे उस वक्त, जी बंगाल गए थे जहां आंदोलन तक नहीं हुआ था, तो वहां बीजेपी को हराने के लिए मैदान में उतर गए थे और अब बीजेपी चलकर इनके मैदान में आ गई है, तो दूसरों को गांव-गांव क्यों भेज रहे हो? आपका जो मैदान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश उसमें ही उतर गया, कोई किसने रोका है? आपको कोई नहीं रोक सकता, ना चुनाव आयोग रोक सकता है, ना बीजेपी की लोकल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रोक सकती है, तो करो कोई बात नहीं। लेकिन इनको भी मालूम है कि हमारा प्रभाव वोटर पर पड़ने वाला है नहीं, लेकिन इनके बयानबाजी पर चलने वाला जो मीडिया है उसको टाइम पास करने के लिए कोई मुद्दा चाहिए। तो शायद मेरा ख्याल है कि ये सब मुद्दे वही मीडिया जो है उन्होंने उनको निकाल कर दिए, इस पर एक मीटिंग करो तो हम भाई पब्लिश कुछ कर सकते हैं, वरना तो आपने जो बोला भी नहीं उस पर हम कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं? तो कम से कम वो बोलो। देखो अभी हम बोल रहे हैं, आज 4 तारीख है, आज किस यानी 4 दिन के बाद 8 तारीख को पहले राउंड का प्रचार भी बंद होने वाला है, इसके बाद ये गांव कब जाएंगे? पहले राउंड में अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग होने आए कुछ 60 के आसपास, 59 या 62 वगैरह सीट पर, 58 सीटें, तो मुझे बोलिए कि पहले राउंड में समझो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दौर का चुनाव है, तो उसमें से 1 दौर तो प्रचार 4 दिन में बंद होने वाला है, ते गांव-गांव में जाने की बात क्या कर रहे हैं? और इन्होंने तय किया अब ये जो अपने अपने गांव में पहुंचेंगे उसके बाद उधर से अपने दोस्तों को सहयोगी जो इनको गठित करेंगे उसमें बचे कि 2 दिन, तो इतने दिन क्या कर रहे?
आप प्रतीक्षा कर रहे थे ना बजट सेशन आएगा, बजट सेशन में होगा, मतलब सीधा है कि ये जो उनका जो एजेंडा आज घोषित हुआ है वो उनका है ही नहीं। पंजाब के चढ़ूनी वगैरह बाद में बाजू में रखो, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है पंजाब में तो 20 तारीख को वोटिंग होने वाला है। हाँ, 20 फरवरी को है। तो 20 फरवरी को और चौथी चरण में यूपी का होने वाला है, तो पंजाब की बात अलग रखो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो बड़े संयुक्त मोर्चा के नेता जो है वो बहुत जो बैठे है वो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, तो ये कब प्रचार करेंगे? और मेरा ख्याल है 10 और 10 के बाद 14 का दूसरा राउंड है, तो यानी 12 तारीख को, आज से लेकर कुछ 4 दिन बचे हैं पहले राउंड के लिए, और दूसरे राउंड के लिए जितने दिन बचे तो 8 दिन बचे। इसमें गांव गांव घर घर में जाकर क्या प्रचार करेंगे, क्योंकि रैलियां तो बैन की हुई है जी। तो इसलिए ठीक है, ये जब शराब पीने वालों वाले बोलते, मुझे मालूम नहीं किस लिए बोलते, लेकिन वो खाते तो कुछ सेव वगैरह चने सिंगदाने रखते है, उसको चखना बोलते है। इनका एजेंडा जो है वो पीने वाला जो मीडिया है उसके लिए चखना बन गया है और कुछ नहीं। और ये अपील कौन कर रहे हैं? योगेंद्र यादव, जो अपनी पार्टी के सिंबल पर गुड़गांव से हार चुके, राकेश टिकैत जो खतौली से और अमरोहा से विधानसभा का चुनाव भी हार चुके, लोकसभा का चुनाव भी हार चुके, डॉक्टर दर्शन पाल जो वामपंथियों का चेहरा है और उन्हीं के बेस पर यहाँ आंदोलन छेड़ हुए थे, और जो आप कह रहे थे कि पंजाब के संगठनों को बाजू में रख करके हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, क्या इनको लग रहा है या इनके पीछे जो इनसे कहलवा रहे हैं या जो इनको कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, उनको लगने लगा है कि इस 13 महीने के आंदोलन से कहीं कोई नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को? अखिलेश यादव के और जयंत चौधरी के गठबंधन से भी कोई बड़ा नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए फिर इनको आगे ठेलो, इनसे कहलवाओ, शायद इनका कोई प्रभाव पड़ जाए किसानों पर? नहीं, शायद एक बात हो सकती है। देखो क्या है कि अब अखिलेश का भी धीरज खत्म हो रहा है, तो वो अगर थोड़ा संवेदनशील हो जाए तो कुछ अपनी थैली ढीली करे और गांव गांव में इनके लोग बसे उनको कुछ चंदा दे दे, इससे ज्यादा कुछ निकलता नहीं। मेरा जितना पॉलिटिक्स का आकलन है तो उसमें इनको कोई कीमत ही नहीं बची है, तो बचा कुछ है जो गांव का बाजार होता है वो आखिर में सूरज ढलने को आता है, तो बचा कुचा माल मिलेगी उस कीमत में बेचना चाहते हैं। उस ढंग से ये लोग अपना एजेंडा चुनाव में उतरे हुए दल है उनको बेचना चाहते, इसलिए आपका वो ये बोल रहे कि भाई इनको तो कोई प्रचार के लिए बुलाया नहीं, कोई बड़े आंदोलन यानी रैली में नहीं बुलाया, रैली तो बैन की थी, इनके वीडियो बनाकर किसी ने पेश नहीं की। माल मतलब इतना ही है कि चुनाव के टाइम में जो धंधा होता है वो हुआ नहीं, तो चलो भैया कम से कम अब 4 दिन बचे हैं उसमें हमारे करता। और भाव ये राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने अपने आप को प्रमोट कर लिया है? अब वो अंतरराष्ट्रीय मसलों पर ही बोलेंगे, विदेश नीति पर ही बोलेंगे, रक्षा नीति पर ही बोलेंगे, और वो भी देश को और विदेश को नया नया ज्ञान देंगे कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तभी से चीन और पाकिस्तान एक साथ आए हैं, दो अलग अलग मोर्चे थे, अब इन्होंने एक मोर्चा बना लिया है, इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। अब ये आप राहुल गांधी से पूछेंगे तो भी उसका जवाब उनके पास शायद नहीं होगा, क्योंकि वो क्या करते हैं क्या सोचते हैं वो उनको भी पता नहीं होता जब तक वो बोलते नहीं, और जब बोलते हैं तब हम लोग उसका अर्थ निकालने की कोशिश करते। हमारे यानी जिस पेपर से मैंने जर्नलिज्म शुरू किया था मराठा, वो तो संपादक लेखक नाटककार बहुत बड़े थे आचार्य अत्रे,
वो सरकास्टिक बोलने में तो उनका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था। तो वो उन्होंने किताब लिखी थी, वो पूरे देश उस समय घूमकर आए थे। तो यहाँ तो सब लोगों को, अरे बाप रे, यूरोप में तो सर्दी होती है, ठंड होती है, बर्फ गिरती है बारिश के जगह, ये सब सोच होती थी 70-80 साल पहले। तब उन्होंने लिखा था, हाँ बोले क्या करे, अरे इतनी ठंड होती थी, इतनी ठंड होती थी कि यार सामने वाले से बात करो तो मुंह से निकलने वाला शब्द होता था उसकी भी बर्फ बन जाती थी, और उस सामने वाले को हथौड़ा मारकर उससे से अर्थ आशय निकालना पड़ता था। तो राहुल गांधी उस किस्म की बातें करते हैं, वो जो बोलते हैं वो बाहर निकलते ही उसकी बर्फ बन जाती है, और हमको हथौड़ा ले लेकर वो बर्फ तोड़कर उसमें आशय अर्थ क्या है वो ढूंढना पड़ता है। तो वो बोलते हैं तो उनको खुद को ही पता नहीं चलता। तो करेंगे तो हम क्या आशय क्या निकालेंगे। अब सवाल कहाँ आता है, चाइना कहाँ है, तुम अचानक उठते हो किसानों से उठते हो, हाथरस में जाते हो, हाथरस से उठते हो लड़ाख जाते हो, लड़ाख से उठते हो वापस पंजाब आ जाते हो, पंजाब से निकलकर अरुणाचल चले जाते हो, तो उनको कहाँ मालूम होता है, उनको नहीं मालूम होता वो क्या बोल रहे हैं। हाँ एक बात है कि उनको एक बात समझ में आया कि मेरी मेहनत से तो कांग्रेस चुनाव जीतने से, तो जाऊंगा तो करूंगा क्या, दिखता है बहना क्या करती है। शायद इसलिए उन्होंने खुद को रोक रखा है कि भाई उत्तर प्रदेश नहीं जाएंगे, यानी कम से कम अगर अब हारने ही वाले हैं तो बाद में देखो राहुल आ गया, क्योंकि राहुल अभी बीजेपी का स्टार प्रचारक बन गया, ये जो मजाक उड़ाया जाता है, तो कम से जी कम जी इस चुनाव में हार होने के बाद कोई ये नहीं बोल सकता कि राहुल की वजह से बीजेपी जीत, राहुल की वजह से कांग्रेस यूपी में हार गई, ये कम से कम ना बोले। इसके लिए वो सावधानी बरतते हो, समझ ठीक है। और लड़ाख भाव वगैरह वो चालू रहता है, चाइना भी आज चाइना भी इरिट होता है इनके बयानों से, उनको क्योंकि इनकार करना पड़ता है ऐसा नहीं हुआ है वैसा नहीं हुआ है, वो पड़ता है। पार्टी यहाँ की है लेकिन रिएक्शन वहां से आते हैं या कॉन्ट्रेडिक्शन वहां से आती है। तो आप कहते हो ठीक, मैं तो बोलता हूं कि ये भगवान श्री राम जो थे उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है, ये तो अमर्यादा पुरुषोत्तम बनना चाहते। और भाव, ये राहुल गांधी को इस पर क्या ऐतराज है कि अमित शाह के घर में लोग जूते पहनकर जाते हैं या घर के बाहर दरवाजे के बाहर जूते उतार करके जाते हैं? उनको वो इसको भी बहुत माइन्यूटली देखते हैं कि अमित शाह के यहाँ या मोदी के यहाँ जूते बाहर उतरवाए जाते हैं या जूतों समेत घर के अंदर लोगों को लिया जाता है। ये क्या मानसिकता है उनकी, जूतों पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं पार्लियामेंट में? वो भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया उस पर चर्चा का जवाब दे, मतलब उस पर बहस में भाग लेते हुए वो जूतों की बात क्यों कर रहे हैं? ठीक, क्या होता है देखिए, एक बात होती है कि जितनी जिनकी समझ होती है उसी ढंग से वो दुनिया के तरफ देखते हैं। अब कुछ दिन पहले की बात है, हमारे घर में नाती ने, आपको पता है मैं उसको खेलता हूँ उसके साथ, उसको रिझाने के लिए कुछ कार्टून वगैरह दिखाते हैं, कार्टून की फिल्म, तो उसमें नानी तेरी मोरनी को वो गाना जो है बच्चों का, उसमें जी जी कार्टून वगैरह है, तो देखते देखते मैंने उसमें भी पॉलिटिक्स ढूंढ ली और उस पर एक वीडियो बनाया। तो बच्चों का गाना है, वो अपना आनंद ले रही थी, लेकिन मैं टाइम पास करते हुए भी मेरा अपना आनंद लेते लेते मैंने उसका, अरे ये तो मल्ल्या भाग गए, रेल का डिब्बा पहुंचा सीधा जेल में वगैरह वगैरह, तो मैंने उस पर मोटे थानेदार ने, तो मोटे थानेदार का मतलब चौकीदार लिया मैंने, फिर मोर को नचाया जंगल की सरकार ने, तो मैंने बोला कि चलो ब्रिटेन की सरकार मल्ल्या को नचा रही है, तो इस ढंग से मैंने जो चाहिए वो देखा। जी तो जी अभी बच्ची को तो इसमें कोई नहीं, मल्ल्या कौन पता पता नहीं है, 1.5 साल की बच्ची है, तो वो उसने अपने तरीके से देखा, मैंने अपने तरीके से देखा। तो राहुल गांधी जिस तरीके से देख सकते हैं, उनकी जितनी हैसियत है जितनी बुद्धि है, तो वो जूते देखते हैं, आपको क्या तकलीफ है उसमें,
आपको क्या तकलीफ है, आप मत देखिए। उनको लगता है एक आदमी जाता है तो उनको पता नहीं चलता, अगर मैं घर में जूते लेकर पहनकर अंदर आता हूँ तो इनके घर में अगर जाऊंगा तो ये जूते पीछे बाहर रखने को बोलेंगे, तो मैं जाऊंगा तो अमित शाह के घर कैसे जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो जूते पहनकर अंदर जाना है। अब किस लिए अमित शाह के पास जाना है ये इनको पता नहीं, उस पर नहीं सोचेंगे, जूते पहनकर जाऊं या नहीं जाऊं, पतलून पहनकर जाऊं या धोती पहनकर जाऊं, यानी क्यों जाना है वहां ये नहीं सोचेंगे। तो वो उनकी हैसियत है, उनकी जितनी बुद्धि है उसी ढंग से वो सोचेंगे देखेंगे। आप उसमें तकरार क्यों करते हो मेरी समझ में नहीं आता। आपका अलग अलग, देखो हम जिस ढंग से जाते हैं तो भगवान के मंदिर में जाएंगे तो जूते बाहर निकाल के जाएंगे, या अमृतसर गुरुद्वारे में जाते हैं तो कुछ रुमाल सर को बांध कर जाते हैं। तो हर हर जगह का एक कोई रूल्स रेगुलेशंस होती है उसमें, नहीं नहीं ये तो कल बोलेंगे, उधर ऐसा क्यों होता है मस्जिद में अंदर जाकर नमाज पढ़ने के लिए हाथ पाँव क्यों धोते हैं भैया, वो जू क्यों करते। अब ये क्यों पूछा जाएगा मुझे बताए, क्यों पूछा जाएगा, वो पूछने की जरूरत नहीं। आपके घर में कोई आता है तो उसको भाई एंट्री क्यों करनी पड़ती है, आपको बोलना चाहिए मेरे घर में जूते लाकर लेकर आ सकते हो लेकिन बिना अपॉइंटमेंट नहीं आ सकते, ये भी बताया क्या, मैंने सुना नहीं है इसलिए पूछ रहा हूं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनकी जितनी समझ है तो सामने जो दिखाई देता है उसमें से वही देखेंगे। जो कोई दोहा में मैंने सुना है कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तिन देखी तैसी, तो वो हर चीज अपने तरीके से देखते है, हमको जैसे चाहिए वैसे उन्होंने देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो आम जनता या सब लोग जिस ढंग से दुनिया देखते हैं, इसी ढंग से अगर राहुल गांधी दुनिया देखते, राजनीति देखते, राजनीति समझने की कोशिश करते तो कांग्रेस की ऐसी हालत नहीं होती। हमको इतना रोज रोज अलग ढंग से मोदी पर बोलना नहीं पड़ता, बीजेपी सरकार पर नहीं बोलना पड़ता, हम शायद यूपीए पर ही ज्यादा बोलते। लेकिन ये कितना बड़ा बदलाव राहुल गांधी की दृष्टि ने कर दिखाया है कि उन्होंने यूपीए कांग्रेस ही खत्म कर दी। अगर आप और हमारे जैसे या और कोई मोदी हो या को नवाब गुलाम नबी आजाद हो, उनकी समझ से और उनकी नजर से ही राजनीति की तरफ राहुल गांधी देख पाते तो आज भी हम यूपीए पर बोलते होंगे, कांग्रेस पर बोलते होंगे, ना कि मोदी या अमित शाह पर बोलते होंगे। अमित शाह का नाम तक नहीं आता क्योंकि मोदी आए उनके पीछे पीछे अमित शाह आ गए। अगर 2004 के बाद राजनीति में आए तो राहुल गांधी अगर आम राजनीति राजनेता जिस ढंग से राजनीति देखते समझते करते उसी ढंग से करते तो इतना बड़ा बदलाव देश में नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आता। मोदी का नाम तक किसी ने सुना नहीं होता। हाँ कोई है भैया गुजरात का एक मुख्यमंत्री है या था बोलते कोई नया आ गया, लेकिन इतना बड़ा बदलाव एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण जो राहुल गांधी के पास है इसलिए तो देश में इतना बड़ा बदलाव आ गया। तो आप उनकी नजर से समझने की कोशिश करो, उनकी नजर से समझने की कोशिश करो कि उस नजर से उस सोच से कितना बड़ा कितनी बड़ी क्रांति हो सकती है, रिवोल्यूशन होता है एक देश में, इतने बड़े देश में, दुनिया की सबसे बड़े जो गणतंत्र माना जाता है उसमें इतना बड़ा बदलाव उसी सोच से आया है, उस नजर से आया है। मुझे पता नहीं अगर लोगों को अमित शाह के घर में जूते पहने हुए ही एंट्री मिल जाती तो इस देश की कौन सी समस्या का समाधान होने वाला था, और अब उन्होंने जूते बाहर निकाल दिए तो कौन सी समस्या उलझ करके रह गई है राहुल गांधी ही जाने। लेकिन भाऊ 2017 में यूपी में दो लड़कों की चर्चा बड़ी सुनी गई थी, वो थे राहुल गांधी और अखिलेश। इस चुनाव में दो दूसरे लड़के हैं, अब अखिलेश यादव और जयंत की जोड़ी है। एक तो मैं यही जानना चाहूँगा कि अखिलेश ने इस बार अपने पुराने
साथ ही लड़के को साथ में क्यों नहीं लेना गवारा किया, और दूसरी बात यह है कि नई जोड़ी बनी है नए लड़कों की, इससे आपकी क्या उम्मीदें हैं, आपका आकलन क्या है इनके बारे में? नहीं, पहली बात है पुराना लड़का छोड़ उसको साथ में लिया नहीं, क्योंकि उसकी बहना कहती है कि लड़के नहीं लड़ सकते, लड़की ही लड़ सकती है। तो अब अपने घर का लड़का वो अखिलेश के साथ कैसे भेजेंगी? सही है। और वो लड़का कैसे जाएगा, क्योंकि बहना ही कहती है भैया तू राखी बांधती हो तू घर में बैठ, लड़ने का काम तेरा नहीं है, क्योंकि तू लड़की है नहीं, लड़की तो मैं हूं, मैं लड़ूंगी। इसलिए उन्होंने लड़का भेजा नहीं, इन्होंने सही है। बुलाया नहीं, इन्होंने बुलाया नहीं। और दूसरी बात, जयंत चौधरी और अखिलेश के बारे में हम क्या बोलेंगे, वो तो बेचारे मजबूरी से इकट्ठा हुए, करेंगे तो क्या करेंगे। अब पार्टी घर की विरासत है, चौधरी चरण सिंह से चलती आई, तो जयंत तो कुछ, जयंत चौधरी को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसलिए फिर वो उन्होंने आधार देखा तो ठीक है, ये भी भटक रहा है हम भी भटक रहे हैं, तो चलो क्यों ना मिलकर इकट्ठा कुछ करें, तो इसलिए वो इकट्ठा करे बीच। लेकिन उनको ही डर है कि यूपी के लड़के ऐसी भाषा नहीं करेंगे, नहीं तो बुरी तरह से हार जाते। तो उनकी ही 5 साल पुरानी टैग लाइन लाइन है, उससे खुद वो डरे है अखिलेश। यूपी के लड़के गाड़ी के टप पर खड़ा होकर हाथ दिखाते थे और बीच में वायर केबल आ गई तो झुककर निकल जाते थे, आपको याद होगा। सही, यानी टप, गाड़ी के टप पर खड़े हो जाओगे तो केबल आड़े आती है, इतना भी जिनको मालूम नहीं था कि भाई छोटी गाड़ी पर बैठ जाएंगे तो भी दिखते लोग, जब नीचे रास्ते पर खड़े हैं तो लोगों की ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा 5-6 फुट से ऊपर नहीं जाते, आप 8 फुट के गाड़ी पर खड़े हो जाओ तो भी आप 12 फुट से ज्यादा 13 फुट से ज्यादा नहीं जाने वाले थे, आपको 20 फुट ऊंची आई गाड़ी पर क्यों बैठना पड़ा कि जहाँ केबल बार बार आड़े आती थी। तो इसलिए शायद इस समय वो ऊंचाई ऊंची गाड़ी पर भी नहीं बैठ रहे और यूपी के लड़के वगैरह भाषा नहीं कर रहे। दूसरी बात यह कि लड़का तो एक सन्यासी बन गया, उसने इनको खत्म कर दिया है। तो इनको होप नहीं है, देखो हंसने की बात नहीं है कि जब उनको मालूम है कि 5 साल से हमने कुछ किया नहीं, पिछले 2 साल से कोरोना का संकट मंडरा रहा है, जो कुछ करना चाहिए वो सरकार ने किया, लेकिन सरकार की योजना भी अगर गांव गांव तक पहुंचाई जाती तो इनकी लोकप्रियता बढ़ती ना, कि भाई निर्णय तो योगी ने किया है लेकिन हमारे गांव तक तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लेकर आए, टीकाकरण हो तो टीकाकरण गांव गांव तक लेके जाने का काम एसपी के कार्यकर्ता भी कर सकते थे। आपको एक बात बता दूं, देखिए हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी पुराने यानी ओरिजिनल समाजवादी पार्टी जो थी मृणाल गोरे, तो वो जब गोरेगांव का इलाका मुंबई से सटा था लेकिन बाहर था, वो मुंबई में आ गए, उसके बाद वहां कॉरपोरेशन का चुनाव होने वाला था और मृणाल गोरे लड़ने वाली थी, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उधर मीटिंग लेने आए थे गोरेगांव में, तो रात को कोई 1-1.5 बजे मीटिंग खत्म हो गई, वो आते थे चलते चलते, उस समय आज जैसी गाड़ियां वगैरह ज्यादा नहीं होती थी, तो मृणाल गोरे के घर आ रहे थे, टोपी वाला बंगला बोलते जहाँ, तो उन्होंने देखा रात को 1:30-2 बजे बहुत सारी महिलाएं लाइन लगा कर खड़ी है, तो उन्होंने पूछा ये क्या है, तो बोले पानी रात को आता है नल पर तो इसलिए पानी भरने के लिए रुकी है। तो डॉक्टर लोहिया ने उनको बता दिया कि मृणाल अगर तुझको यहां से राजनीति करनी है तो पानी का इशू उठवा ले, और मृणाल गोरे ने इतना उठाया कि उनको मुंबई में पानी वाली बाई ये नाम हो गया मृणाल गोरे। जी, 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 जी। अब बात बोलने की है कि आगे चलकर झुग्गी झोपड़ी ऑथोराइज हो अनऑथोराइज हो उनको तो पानी देना पड़ेगा, ऐसा कानून मृणाल गोरे की आंदोलन से बन गया। जी, लेकिन जी। उसी कानून का इम्प्लीमेंटेशन करते करते शिवसेना मुंबई में फैल गई,
क्योंकि इसका गली कुचे में अपने इलाके में इम्प्लीमेंटेशन था, वो शिवसेना ने किया था, शिवसेना के शाखा प्रमुख कार्यकर्ता थे उन्होंने किया, और उनके ज्यादा कॉर्पोरेटर चुन करे, समझे आप? बिल्कुल। इसलिए मैंने क्या बोला कि योगी सरकार की योजनाएं होगी, टीकाकरण होगा या कुछ क्वारंटाइन होगा, जो कुछ होगा उसका इम्प्लीमेंटेशन तो एसपी के कार्यकर्ता कर सकते थे। इन्होंने अपनी अकल क्या चलाई, अरे ये तो बीजेपी का वैक्सीन है, ये तो मैं नहीं लगाऊंगा, ये हम लोग नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। तो अब इनको वोट कौन देगा बोलो मुझे? सही तो इनके पास होप नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि हमने ही खुद का सत्यानाश कर दिया। कल एक घटना हुई भाव, ये जहां दोनों लड़के बस में बैठे हुए जनसंपर्क कर रहे थे, सामने से इन्होंने देखा कि प्रियंका वाड्रा भी आ रही हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। एक ही रास्ते पर दोनों थे, एक उधर से आ रही थी, एक इधर, ये इधर से जा रहे थे। तो प्रियंका वाड्रा ने जब सामने आई उनकी गाड़ी, तो छत से बाहर निकल करके इनकी तरफ को विश किया हाथ हिला करके, और ये दोनों लड़के इतने उत्साहित हो गए कि बस की छत पर पहुंच गए, और वहां से इन्होंने हाथ हिला करके जो है प्रियंका गांधी का अभिनंदन किया, स्वागत किया, उनको जवाब दिया। तो वो एक टेलीविजन चैनल पर उसका वीडियो चल रहा था। ऐसा लगता है कि अब चुनाव का नतीजा चाहे जो हो, पर इन्होंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, बड़ा भारी संदेश जैसे इन्होंने पब्लिक को भेज दिया कि भाई हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन देखो हमारे बीच में कितना सौहार्दपूर्ण वातावरण है। या इसी से मतलब इनको लगा कि जैसे बहुत बड़ी घटना घट गई कि उधर से प्रियंका गांधी ने इनको हाथ हिला करके अभिनंदन किया, इधर से ये छत पर चढ़ गए। क्या बस इतना ही है इन दो लड़कों का मनोरथ? नहीं, उन्होंने हाथ हिलाकर दिखा दिया, ठीक है मिल गए, 5 साल बाद फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय। क्योंकि 5 साल पहले ऐसे ही मिले थे ना। सवाल ये उठता है कि आप जो करने जा रहे हो, कम से कम इतना तो प्लानिंग करो कि भाई उसी रास्ते पर एक दूसरे के सामने नहीं आना चाहिए, कम से कम, क्योंकि चुनाव का टाइम है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है, जमावड़ा नहीं होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। तो अब और मैं मानता हूं कि ऐसी खुशी में एक बात और होती है जो ओंकार जी, देखिए शादी की बारात में घोड़ा तो नाचने आता है, पंडाल के पास पहुंच गए तो दूल्हा उतर जाता है और पंडाल में चला जाता है, घोड़े को बाजू में डंडे को किसी बांध के रखा जाता है। लेकिन बारात में सबसे आगे दिखाई देने वाली चीज तो घोड़ा होती है ना, घोड़ा नाचेगा, घोड़ा का उड़ेगा, दौड़ेगा, जो कुछ करना है। तो बारात निकल रही है, उसमें गलत क्या है? एक दूसरे को हाथ हिलाकर दिखाना वो तो चलता है और चलना भी चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगले 5 साल में तो घर बैठना है, तो कम से कम इतना तो एंजॉय करने का उनका हक बनता है। तो उन्होंने वो कर दिया। अब देखिए 2024 के समय फिर से प्रियंका वाड्रा आ जाएगी अमेठी रायबरेली में, उसके बीच तो कभी नहीं आएगी। तो अभी एक दो महीना है, उसके बाद एक साल भर तो निकल जाएगा, नया सरकार योगी बनाएंगे, एक साल भर में तो ये कुछ चिल्लाएंगे कुछ करेंगे तो लोग रिस्पॉन्ड करने वाले नहीं है। तो 2023 या 24 आने तक या अगली लोकसभा घोषित होने तक कुछ काम होगा नहीं। तो आज जितना एंजॉय करना है कर लेने दो उनको, कोई गलत नहीं कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक करे, ये होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, नहीं तो वो एंजॉय कब करे। सही है भाव। के चंद्रशेखर राव का एक बयान मैंने इधर पढ़ा है, बजट आने के बाद उनकी प्रतिक्रिया आई कि इसमें कोई दिशा नहीं है बजट में, और इस भारतीय जनता पार्टी को तो बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। ये करीब करीब वैसा ही बयान है जैसा ममता बनर्जी दिया करती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, कि उनके गले में तो भारी पत्थर बांध करके उनको बंगाल की खाड़ी में डुबो देना चाहिए, प्रशांत महासागर में डुबो देना चाहिए, इस तरह की
बातें करती थी। ये पहली बात तो ये है कि केसीआर इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? क्या उनको डर है कि अगला चुनाव तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के नाम रह सकता है? नंबर दो, ये ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और शिवसेना, इनके बीच में और के चंद्रशेखर राव, इनके बीच में कोई खिचड़ी पक रही है क्या? नहीं, खिचड़ी पकने से कुछ होने वाला नहीं। देखो, दाल चावल गेहूं ज्वार ये सब इकट्ठा होकर खिचड़ी तो नहीं होती, खिचड़ी तो चावल की होती है। हाँ, आप उसमें बिरयानी डाल दो या और कोई दूसरी डाल दो तो, लेकिन ज्वार और गेहूं डालकर तो खिचड़ी नहीं पकती ना। जी जी, तो स्टालिन तमिलनाडु के या बंगाल की ममता बनर्जी और शिवसेना मिलकर क्या करेगी? दूसरी बात, आपने जो पूछी है केसीआर की, तो केसीआर 2017 में यूपी के चुनाव बीजेपी ने 300 से ज्यादा जीत ले, वही से डर चुके थे। आपको याद होगा कि 2017 का रिजल्ट होने के बाद सबसे पहले ये उड़कर हवाई जहाज से बंगाल कोलकाता पहुंचे थे और उन्होंने ममता को ऑफर दी थी कि बिगर बीजेपी बिगर कांग्रेस फ्रंट बनाएंगे। इन्होंने पहले पहली अगर पहल की थी तो केसीआर ने की थी जी, लेकिन जी। ममता ने उसको उनको उतना रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वो चुपचाप वापस आ गए, चुपचाप वापस आ गए। इसका कारण आप ध्यान में ले लो, ये इतने डरे हुए थे मोदी से कि उनका विधानसभा चुनाव 2019 में आ रहा था लोकसभा के साथ, क्योंकि आंध्र का विभाजन होकर तेलंगाना निकला और आंध्र बना। तो इन्होंने चुपचाप ज्यादा बातें नहीं की। 17 का चुनाव खत्म होने के बाद 2017 का दिसंबर आने के पहले विधानसभा बर्खास्त कर दी और वहां का विधानसभा चुनाव नहीं, मेरा ख्याल है कुछ 2018 की बात है, 18 की बात जी 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 जी। लेकिन विधानसभा का चुनाव उन्होंने मिड टर्म पोल किया था, क्योंकि वो लोकसभा के साथ जाना नहीं चाहते थे, उनको डर था अगर लोकसभा विधानसभा तेलंगाना में इकट्ठा हो गई तो आप हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। करेक्ट। इसलिए उन्होंने वो अपोजिशन यूनिटी की कोशिश की थी, लेकिन जब नहीं हुआ वो चुपचाप बैठ गए और कुछ महीनों बाद इन्होंने तय किया कि भैया अपना चुनाव अलग से करेंगे। और मेरा ख्याल है राजस्थान मध्य प्रदेश वगैरह के जो चुनाव हुए थे इसके साथ उन्होंने तेलंगाना का चुनाव मिड टर्म पोल करके फिनिश किया था। तो अब देखिए, पिछले उस वक्त तो बीजेपी का तेलंगाना में कुछ था नहीं, आंध्र में कुछ ना था नहीं, लेकिन पिछले 5 सालों में बीजेपी ने तेलंगाना में अपने पैर जमाए। बहुत सारे टीडीपी के लोग, कांग्रेस के लोग तेलंगाना आंध्र के ये बीजेपी ज्वाइन कर गए, कांग्रेस के भी है। तो इससे ये डरे हुए, तो अब वो फिर से वो ट्राई कर रहे, लेकिन इनके साथ शिवसेना जाकर क्या होगा? दूसरी बात, डीएमके अगर इनके साथ आती है तो उसका तेलंगाना में उनको क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं। जी जी, बंगाल का भी तेलंगाना में कुछ फायदा नहीं है। तो ये जो इनमें खिचड़ी पक रही है वगैरह, जो वो रेसिपी पर किताबें लिखने वाले कभी किचन में जाने वाले लोग नहीं होते, रेसिपी पर किताब लिखते हैं ना वो कभी किचन में जाते नहीं, ये मेरा अनुभव है। मुझे याद है 70 की दशक में हम श्री साहब करके एक वीकली चलाते थे मराठी में, तो उसमें एक ये रेसिपी का कॉलम होता था। तो हमारा जो दोस्त एडिटर था सुपारकर नाम का, तो हम एक किसी उनके दोस्त के घर गए थे, तो उसकी वाइफ ने जो कुछ बनाकर पकाकर हमको परोसा था जी, वो इतना इतना बिगर टेस्ट का था, रद्दी था। तो किसी भी तरीके से हमने वो खत्म नहीं किया तो उन्होंने दूसरी बार डाल दिया और बोला वो आपके श्री में पड़ा वही बनाया है। तो हमारा जो दोस्त एडिटर था उसने नेक्स्ट डे ऑफिस में आकर बोला अगले हफ्ते से ये रेसिपी कॉलम बंद।
तो ये जो ऐसे खिचड़ी पकाने की जो बातें करते हैं ना, स्टालिन या ममता और केसीआर और कोई मिलकर खिचड़ी पका रहे, तो इनको खिचड़ी कैसे पकती है ये भी मालूम नहीं होता। तो इसलिए बोला जाता है टाइम पास के लिए। भाव पंजाब पर अगर जाएं तो ये नवजोत सिंह सिद्धू ऐसा लगता है कि कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने पर तुला हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से वो कांग्रेस नेतृत्व को धमका रहे हैं, एक तरीके से उन्होंने कई तरह से धमकी दी है अलग-अलग मंचों से। राहुल गांधी को कहा है कि उनको शायद पंजाब में ऐसा लीडर चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो उनके ताता थैया पर डांस कर सके, जैसा वो चाहे वैसा कर सके। अभी जो सुनील जाखड़ थे, नवजोत सिंह सिद्धू से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि साहब 42 MLA मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, चन्नी को केवल 2 बनाना चाहते थे, और सिद्धू के पक्ष में भी केवल 6 या 8 थे, रणधावा के पक्ष में शायद 12 या 16 थे। ये जो अलग अलग नेता बिल्कुल ऐसे टाइम पर जबकि 20 फरवरी को मतदान होना है, तब इस तरह की घुड़कियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ऑलमोस्ट कांग्रेस की संभावनाएं तो इन लोगों ने खत्म कर दी हैं। एक कांड अभी ये हो गया कि चन्नी का जो भतीजा है वो ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उसके यहाँ छापेमारी में 10 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ था। तो अगर आप दलित कहकर के किसी चेहरे को प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके करीबी रिश्तेदार के यहाँ से 10 करोड़ का कैश बरामद हो रहा है, तो वो दलित वाला जो एक परसेप्शन आप क्रिएट करना चाहते थे, छवि बनाना चाहते थे, वो तो धूल में मिल गई। और नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि या तो मुझे चेहरा घोषित करो, नहीं तो वो बगावत पर आमादा है। ये सिद्धू क्या कांग्रेस को बिल्कुल एकदम शून्य करके छोड़ेंगे पंजाब में? नहीं, उनको इसी कारण तो लाया गया है ना। अमरिंदर सिंह ने उनको सबसे पहले पार्टी में लेने से पहले ही ऑब्जेक्शन रेज किया था, फिर भी 5 साल पहले उनको लिया गया। मानो अमरिंदर के पांव में बेड़ी बनाकर इनको पार्टी में रखा गया, मिनिस्टर बनाया गया। वो पाकिस्तान जाते रहे, इमरान खान के पास जाते रहे, उनसे गले मिलते रहे। ये सब अमरिंदर बार बार ऑब्जेक्शन लेते रहे, फिर भी अगर फिर उन्होंने रिजाइन किया। उसके बाद भी प्रियंका गांधी अपने साथ उनका फोटो उनको ट्विटर पर डालने को देती है, बोलती है, जी 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 ये सब हम जी देखते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर अच्छा चल रहा है पंजाब में कांग्रेस का, तो वो खत्म करने का टारगेट खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ही होगा ना। तो सिद्धू उनका काम कर रहे हैं, जो पार्टी हाईकमांड को चाहिए वही तो सिद्धू कर रहे हैं। कि किसी भी तौर से अगर बचे कुचे को जो निष्ठावान लॉयल लोग हो, वो भी कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, तो उनके मन में भी शंका पैदा करो। यही तो काम सिद्धू कर रहे हैं और वही तो उनकी पार्टी हाईकमांड की इच्छा है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए सिद्धू को ब्लेम करना सही नहीं होगा। ये हाईकमांड की इच्छा वो पूरी कर रहे हैं। और भाव अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जो चार्जशीट में खुलासे हो रहे हैं, हालांकि कोई ऐसा खुलासा नहीं है जिनसे कोई चौंका हो, ये सारी चीजें पहले से हवा में थी। और देवेंद्र फडणवीस ने तो 2018 की वो घटना भी सदन में बता दी थी कि उद्धव ठाकरे ने मुझे उस समय प्रेशराइज किया था कि सचिन वाजे को मैं पुलिस सेवा में बहाल करूं, पर चूंकि मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था उस समय जब ये उनकी हिरासत में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और इनको निलंबित किया गया था, तो मैंने उद्धव ठाकरे से कह दिया कि मैं इसको बहाल नहीं कर सकता। और ये साफ था कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो कुछ महीने जरूर लगे, और एक बहाना बनाया उन्होंने कि कोरोना की वजह से बहुत सारे पुलिसकर्मी चूंकि कोविड-19 पॉजिटिव हो गए थे, इसलिए हमारे पुलिस बल में लोगों की जरूरत थी। ये मतलब पुलिस महकमे का कहना था उस समय, ये नहीं कहा गया था कि उद्धव ठाकरे के कहने पर उसको बहाल किया गया। ये तो
एक लंबी प्रक्रिया और विवाद चला और फाइल मांगी गई, फाइल नहीं दी गई, मामला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अल्टीमेटली ये परमवीर सिंह ने कह दिया कि इच्छा थी मुख्यमंत्री की, अनिल देशमुख की और उनके बेटे की, आदित्य ठाकरे की, इसलिए सचिन वाजे को बहाल किया गया। और दूसरा खुलासा अनिल देशमुख ने कर दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग की जो लिस्ट है वो तो अनिल परब के थ्रू मातोश्री से आती थी। तो ये सारे खुलासे इस पूरे मामले को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं बाबू जी? जिस दिशा में जाने चाहिए वो उसी दिशा में तो जा रहे। ये था, सबको मालूम था, लेकिन हमारा मुंबई का मीडिया नहीं बोल रहा था, लेकिन लोगों को पता चल, दिखाई देता है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप लाख छुपाओ छुप ना सकेगा राज कितना गहरा। असली बात बता देता है, असली नकली चेहरा सच्ची बात बता देता है। तो वैसी बात है, वो सामने दिखाई दे रहा है, आप डिनाय करो, आप उसके बड़े बड़े होर्डिंग लगाओ, तो इससे सच्चाई तो छुप नहीं जाती ना। सच्चाई तो लोगों के सामने है, दिखाई दे रहा है कि एक अब मुझे बताइए कि अब बोलते कि नहीं नहीं ये तो परमवीर का सब पाप है। अरे पर लेकिन परमवीर अगर गलती कर रहा था तो उस तरफ उंगली देवेंद्र ने दिखाई थी ना, बीजेपी ने दिखाई थी, तो आपने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं वाजे को रोका? क्यों नहीं परमवीर को रोका? उल्टा क्यों वाजे को ओसामा बिन बना ले रो? क्यों परमवीर को? और परमवीर तो स्कॉटलैंड यार्ड जैसा सबसे अच्छा दुनिया का पुलिस है, ये आप ही बता रहे थे ना। और आज आप बोलते हो कि नहीं सब उसने किया। कैसे किया? अगर वो गलत कर रहा है तो चार जगह से लोग बोल रहे हैं अरे क्या कर रहा है। औरों की बात छोड़ दो, जूलियो रिवेरो नाम के सबसे सीनियर, अभी उनकी उम्र 90 से ज्यादा है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा ट्रिब्यून डेली में जी जी, कि यस मैन आर डेंजरस। परमवीर जैसे यस मैन होते जो बॉस को खुश करने के लिए कुछ भी करते हैं, ये डेंजरस है। ये जूलियो रिवेरो ने लिखा, जूलियो रिवेरो तो बीजेपी के है नहीं। सही, यानी आपको सावधान करने की कोशिश हर कोई कर रहा था। इसका मतलब साफ है कि वाजे या परमवीर जो कुछ कर रहे थे वो आपको ही चाहिए था। और वो बोल रहे रिवेरो बोल रहे यस मैन आर डेंजरस, यानी यस मैन का मतलब क्या? जो आपको चाहिए वो परमवीर कर रहा है और वो राज्य के लिए और पुलिस महकमे के लिए भी डेंजरस है, ये तो बोल रहे थे। तो आपने उस वक्त खुद को क्यों नहीं रोका? परमवीर को क्यों नहीं रोका? वाजे को क्यों नहीं रोका? तो ये आम लोगों को समझती है बात। खुलासा तो आज हुआ है ना, लेकिन बहुत सारी महाराष्ट्र की जनता जानती है सच्चाई क्या है। उस पर सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, ठप्पा लगना बाकी होता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि यूपी में तो बीजेपी चुनकर आने वाली है, अब जनता का उस पर ठप्पा लगना है। वोटिंग का मतलब ठप्पा लगना होता है। तो उसी ढंग से लोगों को ये मालूम है, लोगों के दिमाग में ना योगी जीतेंगे बिल्कुल, तो चुनाव आयोग तो गिनती करके 10 मार्च को बताएगा। बाकी लोग क्या कर रहे हैं लोगों को मालूम है, तो बाकी मीडिया ओपिनियन पोल लेकर कुछ भी बोले उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमने 2014 में 2019 में देखा है कि मीडिया में तो मोदी लगातार हार रहे थे, गिनती के दिन जीत गए, क्योंकि आम जनता को मालूम था, आम जनता को मालूम था। तो ये बात यही भी लागू होती है कि मीडिया को जेब में महाविकास आघाड़ी सरकार ने रखा है और उनसे रोज झूठ बुलवाया जा रहा है। ये कोई नहीं, बदले की राजनीति है, बदले की राजनीति है, बदले की कार्रवाई है। अगर आप भी नारायण राणे को अरेस्ट करते हो उसको जमानत मिलती है, आप अर्णव को अरेस्ट करते हो जमानत मिलती है, आप नारायण राणे के बेटे को पकड़ने की कोशिश करते हो उसको भी जुडिशियल कस्टडी दी जाती है, पुलिस कस्टडी नहीं दी जाती। तो आप करते हो वो बदले की राजनीति नहीं है। और जिसमें सबूत के साथ पकड़ा जाता है और 6-6 महीने 10-10 महीने 5-5 महीने लोग अंदर पड़े, बार बार जाकर जमानत नहीं मिलती, वो बदले की राजनीति। तो लोग उतने पागल नहीं है, और भाव समझे इतने तो लोग पागल नहीं है।
भाव सचिन वाजे को बहाल कराने के पीछे सोच क्या थी, मकसद क्या था? ये सोच क्या थी, उसको जिस काम को लगाया वो उसी सोच से उसको लाया गया कि ये अच्छे अच्छा ढंग से वसूली कर सकता है, बस तो गुंडागर्दी कर सकता है, वर्दी में गुंडागर्दी कर सकता है, यही तो उसकी खासियत थी, बस उस कारण उसको लाया गया था और उसने वो काम कर दिया। लेकिन एक बात समझिए, महाविकास आघाड़ी के जो मिनिस्टर है अनिल परब हो, अनिल देशमुख हो, परमवीर हो, सचिन बाजे हो, यही तो महाविकास आघाड़ी है, यही तो महाविकास आघाड़ी है, तो एक दूसरे को संभाल के तो लेना चाहिए। जब ठिकरा फूटने का समय आया तो बोलते नहीं ये परमवीर का पाप है, उसको पकड़ो, इसलिए देशमुख छूटे नहीं, छूटे नहीं, छूटे तो बाकी के कैसे छूटेंगे? और वो भी बोलेगा कि आपने जो काम के लिए लाया, मैंने वो काम किया, उसकी जिम्मेदारी अकेले कैसे? वो बोलते ना क्या, नाच नाचे बंदर माल खाए मदारी, ऐसे कैसे चलेगा? तो बंदर भी कभी गुस्से में आ जाता है ना, मान लिया कि वो बंदर है, उसकी डोर आपके हाथ में थी, लेकिन अगर उसको भूखा रखोगे तो वो आप पर भी हमला कर देता है, तो इसी बात है। एक शोले में डायलॉग था ए के हंगल का, ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई, ये शरद पवार के खेमे में इतना सन्नाटा क्यों है भाऊ? सन्नाटा नहीं लगता मुझे, वो तो बोलते रहते लेकिन अर्थहीन बोलते आजकल, आजकल उनके बोलने में वो मजा नहीं बची, कुछ आशय नहीं रहा, उनको भी पता है बुरी तरह से फंस गए। उन्होंने अनिल देशमुख को गृह मंत्री बनाया, ये उनकी बहुत बड़ी भारी गलती थी, और पवार की आदत रही है, वो दूसरी पार्टियों के साथ गेम नहीं खेलते, अपनी ही पार्टी में अपने ही निकट के लोग होते इनसे भी गेम खेलते। अब देखिए, आपने अगर सरकार बनाई है, सब किया है, तो अजीत दादा को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया तो उनको होम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? ठीक है, वो नहीं तो जयंत पाटिल, जो भतीजे ने बगावत करने के बाद भी पवार का साथ दिया था, उनको नहीं किया, अचानक उठ के कहीं से अनिल देशमुख को लाकर होम मिनिस्टर बना दिया, तो कितना बड़ा गर्व किया, इसकी चर्चा हुई थी, तो आज वो गेम उल्टा पड़ गया, तो उल्टा पड़ गया। देखिए, एक बात होती है, वाजे को पकड़ा, वजह बोलने लगा, परमवीर पर बालन डका, परमवीर बोलने लगा, अब देशमुख बोलने लगा है, तो देशमुख और क्या क्या बोलेगा, इसका ये सन्नाटा है। सन्नाटा इसलिए है कि देशमुख बोलेगा तो और क्या बोलेगा? आज आज उसने बोल दिया कि अनिल परब से आती थी, अगर मुझे नहीं छुड़ाओगे तो और कौन कौन लिस्ट भेजता था वो भी बोलना पड़ेगा, ये उसमें छुपी हुई धमकी है। सही है, बिल्कुल सही है। और भाव, आखिर में ये असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ है, फायरिंग हुई है, क्या समझ में आ रहा है? एक लड़का है कोई देवबंद का है, एक लड़का कोई मायावती के गांव बादलपुर का है, दोनों मिलते हैं, मिलकर के असदुद्दीन ओवैसी पर अटैक करते हैं। आज मैं ओवैसी को संसद में भी सुन रहा था। मामला समझ से बाहर का है, ये ओवैसी को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि उन पर अगर गोली चली है तो क्यों चली है? ये जो पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था कि जब योगी नहीं होंगे अपने मठ चले जाएंगे, जब मोदी नहीं होंगे पहाड़ों पर चले जाएंगे, तब तुमको बचाने के लिए कौन आएगा? तो कहीं उसी गुस्से में तो कुछ लड़कों ने ये काम नहीं कर दिया है कि हम बताते हैं कि हमें बचाने की जरूरत पड़ेगी या तुम्हें बचाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे ये सब प्लान लगता है। अभी इंफॉर्मेशन बाद में आएगी, जब इनको ग्रिल किया जाएगा, उनसे कोई सवाल पूछे जाएंगे, जवाब लिया जाएगा। मुझे लगता है कि इसके पीछे कांग्रेस,
या एसपी के कुछ लोग हो सकते, शायद ओवैसी के कुछ लोग भी हो सकते, उनको विक्टिमाइज विक्टिम करने के लिए, दिखाने के लिए। जैसे आपको याद होगा केजरीवाल पर हमेशा सीआई फेंकी जाती, तो बाद में वो तो चिल्लाते थे और बाद में दिखाई देता था, कह रहे ये तो इनका पुराना वॉलंटियर है, याद है ना आपको। तो हाँ, वैसा और ही कुछ हो सकता है, वैसा थप्पड़ मारने वाले, थप्पड़ मारने वालों को भी हायर किया जाता था, थप्पड़ मारा था, सीआई फेंकी थी, योगेंद्र यादव को जंतर मंतर पर काली सीआई लगाई गई थी, आपको याद होगा। और बाद में पहले तो 2 दिन उन्होंने तमाशा किया था, लेकिन जब पकड़ा गया तो सामने आ गया कि ये इनकी ही पार्टी का, इनके ही संगठन का कोई कार्यकर्ता था। तो मुझे लगता है शायद ओवैसी के कुछ लोगों ने ये नाटक किया होगा, क्योंकि उनको मुस्लिम इलाके में भी उतना कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो शायद डेस्परेशन में ओवैसी ने ये किया होगा कि देखो मैं मुस्लिमों के लिए जान भी देने के लिए राजी हूँ। तो उन्होंने आज बोला ना, हाउस में बोला है कि मैं तो जेड सिक्योरिटी वगैरह नहीं लूंगा, मुझे मरना है तो मर ले, कोई बात नहीं। तो ये जो डायलॉग मुझे उनको शक के घेरे में लाता है कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कोई मारेगा तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, ये जो भाषा है वो मुझे जची नहीं। मुझे लगता है कि शायद ये ड्रामा पहले से तय किया हुआ था, उसमें एक तो बीजेपी पर आरोप करने का रास्ता खुल जाता है, और दूसरी तरफ ये खुद को विक्टिम बनाकर पेश कर सकते हैं सहानुभूति अर्जित करने के लिए। सहानुभूति, और भाव ये स्वामी प्रसाद मौर्य तो भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूत करने वाले थे, ये पडरौना से क्यों भाग खड़े हुए? क्योंकि उनको पता नहीं था उनका वो किससे पंगा ले रहे, किससे पंगा ले रहे। यानी आप भागने वाले हो, इसकी खबर जिनको पहले से थी, उन्होंने पहले से आपको टिकट देने के बजाय आपकी जगह किसी और को लाने की तैयारियां शुरू की थी। आपको पता नहीं था, आपको सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन मिला था कि आपका टिकट कटने वाला है, तो आपने धमाका किया, तो उन्होंने डबल धमाका कर दिया। आरपीएन सिंह को ले आए, आरपीएन सिंह को ले आए, तो अब इनको डर है कि भैया हम तो वापस चुनाव, यानी चुनाव जीत ही नहीं सकेंगे, तो यहाँ से कम सेफ जगह तो भागे, तो ये भाग गए। भाव बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतना समय देने के लिए, थैंक यू सो मच, नमस्कार।